आगरा की भारतीय योग संस्थान की और सद्भावना पार्क सेवा समिति के नौवां संस्थापना दिवस पर कमला नगर स्थित सद्भावना पार्क पर योग शिविर का आयोजन किया गया। ओम के शंखनाद के साथ शुरू हुए योग शिविर में एनसीसी विद्यार्थियों सहित करीब 100 लोगों ने योग किया। योगाचार्य मुरारी प्रसाद ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम, हंसी की महान क्रिया, मंडूक आसन, ताड़ासन आदि योग आसनों को पार्क में कराकर योग करें निरोग का संदेश दिया। हम सद्भावना पार्क समिति से जुड़े हुए हैं। हम 9 साल हो गए हैं आज हमें योग करते करते, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब प्रातः सुबह उठ के हम योग में आते हैं और खुली हवा में योगा करते हैं। इससे हमें पूरा दिन स्वस्थ लगता है, और इसके ना करने से हमें लगता है हमने कुछ खो दिया। इसलिए हमें रोज़ योगा में आना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़रूर टाइम निकालना चाहिए, जिससे कि आगे चल के कोई बीमारी नहीं लगेगी और हम स्वस्थ बने रहेंगे। ठीक है। सद्भावना पार्क सेवा समिति का आज हम लोगों को 9 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो इसका हमने स्थापना दिवस सद्भावना पार्क में बनाया। लगभग 9 साल हम लोगों को कंटिन्यूस योगा करते हुए हो गए। बहुत सारे लोग जब आए थे, काफ़ी उनको रोग थे, और जब योगा करा उन्होंने तो धीमे धीमे आज उन लोगों ने काफ़ी ऐसी अच्छी बातें बताई कि हम लोग योग करते हैं तो हमको ये लाभ हुआ, योग करते हैं तो ये लाभ हुआ। क्योंकि आप ये सब लोग देखते होंगे, हमारा देश ऐसा कोई घर बकाया नहीं है जहाँ दवाई नहीं ले रहे हों, चाहे वो कैसी भी दवाई हो। तो मेरा कहना यह है, अगर आप योग से जुड़ जाएंगे, हम संकल्प लें, हम आज पार्क में सब लोगों ने संकल्प लिया है 9वें स्थापना दिवस पर, प्रत्येक साधक हम इससे योग से जुड़ेंगे। जो लोग भी सुन रहे हों, मेरा सभी से कहना है कि वो योग से अवश्य जुड़ें। निश्चित रूप से बिल्कुल बीमार नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि योग हमको सिखाता है जीने दो और जियो।